सनी तो ठीक है ना? मामा सनी बिल्कुल ठीक है। नानू भी उसको छोड़ने के लिए जाना चाह रही है और काका जानी उन्हें जाने नहीं दे रही। खैर इसमें कोई हंगामे की बात नहीं है, कमरा चला जाएगा उसे छोड़ने के लिए। तो ये तुम कपड़े नहीं मुझे पसंद। मामा बात सनी की नहीं है बल्कि वो शैला है ना, उसका मसला है। अभी कहा बेटा? सानू पापा जल्दी आ गए। हाँ कमरा का फोन आया था, उसे सनी को लेकर जा रहा है ना। मैं भी उसके साथ चलूँ। मैं भी चलूँ पापा। मैं भी नहीं, तुम नहीं जा सकते। सारा खानदान जाएगा उसको लेके। तो आना तुम भी बचाओ। मुझे तो हर बात से अलग तलग कर दिया गया है। सनी आया, किसी ने मुझे इतना नहीं, मैं गए किसी ने मुझे नहीं बताया। बस मैंने कह दिया मैं जरूर जाऊंगा। बस अच्छा ठीक है, तुम भी जरूर चलो और तैयार हो जाओ, कमरा ना रहो। और मैं जरा थोड़ा सा फ्रेशअप हो जाऊं। मैं भी ना मुझे सारी जिंदगी इस्लामाबाद में रहना है। मैंने कहा ना मैं काम से जा रहा हूँ, और इस घर के हालात अब सुधरने वाले नहीं बल्कि इससे ज्यादा खराब। क्यों यहाँ के लोग तुम्हें तकलीफ देते हैं, अजियत देते हैं क्या? ये बात तो मैं बिल्कुल ठीक कही। इस घर में रहने वाला हर शख्स एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अजियत देता है, अजियत। बस बस ज्यादा फजूल बातें नहीं करो, आराम से बैठो। भाई मैंने कहा ना मैं जाऊंगी, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरीशा मैंने तुमसे कहा आराम से बैठ जाओ, भाभी को ये हरकतें करते हुए देखा तुमने? नंदीन भाभी की तो तुम मुझे मिसाले मत ही दिया करो। कभी तुमने कामरान भाई को उनसे लड़ते हुए देखा है? कभी कभी उनको अपनी बीवी को इग्नोर करते हुए देखा है? और कभी छुप छुप पेश लड़ाते देखा? अरीशा तुम वापस। हाँ हाँ उठाओ हाथ, अब तो सारे लिहाज खत्म हो गए। एक दफा तुम्हारा हाथ उठ गया। हाँ नहीं तो मारो मुझे, मुझे याद रखना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बहुत पछता तो मैं रही हूँ लेकिन रहूंगी नहीं इस घर में। सबको समझ करके लगाऊंगी। अगर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करोगी तो बात समझ में आ जाएगी। ये बात तुम मुझसे साफ साफ बात करो कैसी? मेरी मामा आ गई हैं। तुम रिश्ता लेकर आ रहे हो या नहीं? मैं भी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता। ये बात इसका मतलब ये है कि तुम झूठे और फरेबी हो। नहीं ये बात, वक्त की मजबूरी को तुम फरेब और झूठ नहीं कह सकते। झूठ और फरेब हर उस बात को कहा जा सकता है कैसी जो सिर्फ जबान पर। क्या तुम अपनी कजन इरत से प्यार नहीं करते? पता नहीं लेकिन तुमसे ये सब कुछ किस बात ने? उसने मुझे सब कुछ बता दिया। कैसी तुम ये खुद नहीं जानते कि तुम किससे प्यार करते हो। अगर तुम इरत से प्यार करते हो तो जाओ और जाकर सबके सामने कह दो कि तुम इरत से प्यार करते हो। मैं उसे सब कुछ नहीं कह सकता इसलिए कि उसने तुमसे मोहब्बत का वो सबूत दिया है जो शायद मैं भी ना दे पाती। क्या मैं तुम्हारे घर चलूं? क्योंकि मुझ में सच बोलने की हिम्मत है जो तुम में नहीं। या मैं इरज के घर चलूं और उसके पेरेंट्स से जाके कहूं कि उसने तुम्हारा इल्जाम अपने सर लिया। ठीक है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। बुजदिल हो तुम, बहुत बुजदिल। और बुजदिल आदमी बहुत खतरनाक होता है। वो किसी भी खौफनाक रास्ते पर किसी भी इंसान को तन्हा छोड़कर भाग सकता है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ मैंने उसी लम्हे ये फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। और अब ये दुआ कर रही हूँ कि इरज भी तुमसे शादी ना करे, क्योंकि उसे एक मजबूत इरादों वाले मर्द की जरूरत है जो हर औरत को होती है। और तुम एक कमजोर बुजदिल और डरपोक इंसान है। खुदा हाफिज। और तुम एक कमजोर बुजदिल और डरपोक इंसान डरपोक इंसान। मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा?
कल मामा के केक को छिछड़ों को बिल्ली के हवाले कर जाऊं। भाभी आओ। जा रही हैं आप? हाँ वो सोच रही थी कि अम्मी क्या चली जाऊं, वो इमरान के लिए कह रहे थे, फिर सोचा कि जाके क्या करूंगी, इसलिए। बड़ी भाभी से बात हुई आपकी? हाँ हुई, तो बस एक गड़बड़ हो गई। अगर फरिया बीच में ना बोलती ना तो भाभी मान जाती। क्यों, फरिया ने क्या कहा? देखो शैला, अब मैं कैसे बता दूं, मैं बदनाम हो जाऊंगी, सब तो यही समझेंगे ना कि भाभी ने अपनी नन का झगड़ा उसकी नन से करवा दिया। मैं किसी से नहीं कहूंगी, अब बताइए ना क्या बात है। भाई शैला, वो भाभी ने फरिया के कहने पर साफ इनकार कर दिया, और वैसे मैं एक बात कहूँ, दलाल चाहे ना तो वो ले जा सकता है, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं। दलाल जरूर मानेगा अगर भाभी कहते तो, लेकिन कैसे मानेंगे? भाई देखो, जब फरिया के कहने पर भाभी साफ इनकार कर सकती है तो उसके माँ बाप तो उसकी मुट्ठी में होंगे। क्यों, दलाल क्यों होंगे किसी की मुट्ठी में? भाई यही सोच के तो मुझे बुरा लगा था। देखो शोहरों को तो बीवियों की मुट्ठी में होना चाहिए। जब फरिया को ये पता चला कि तुमने सोचा है कहीं बाहर जाने का, तो एकदम उठ खड़ी हुई कि शैला का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा, देखो फरिया, शैला तुम्हारी भाभी है, इस तरह नहीं कहते। कि भाई वो तो बहुत आग भगोला हो गई थी, मुझे बुरा लगा, सो मैंने कह दिया। दिमाग तो उसका खराब है, चार दिन में ठिकाने लगा दूंगी। भाभी आपका सन मेरा बच्चा, बैठे ना। बाजी का वो अपने कमरे में। अम्मा भी कैसी है? वो नहीं है, वो दरअसल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी मौसी जान, वरना वो जरूर आती। जिसानी भाई आप अम्मा पापा को नहीं लाए? भाभी वो तो आने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन शहर और फिलहाल की वजह से नहीं आ पाई। क्यों, उन्होंने आमना पापा को भी रोक लिया? जी नहीं भाभी, मैंने रोक लिया, सोचा पता नहीं वजह से क्या नहीं। वैसे वो है या? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जानी भाई? बस यार बजाज जी रहा, जब से तुम चले आए अभी नहीं जाना। वो सनी नहीं आया? अंकल उसे ही तो लेकर आए हैं। ए, मैं कुछ चाय का बंदोबस्त करूं। नहीं यार, फिर नहीं चाहता। अरे बैठो यार, बैठो बैठो। बजाज, बड़ों के मामला बड़ों के दरमियान रहने चाहिए, इसमें बच्चों का कसूर नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं, मैंने मैं से कह दिया है कि मेरे मामला को अपने और बच्चों के दरमियान दीवार न समझे, जब चाहे चली जाए और आप लोग भी आ जाए। बजाज तुम होंगे? अंकल ये बात किसी तरह खत्म नहीं हो सकती। कोई बात नहीं कामरा, बहुदा मैं बात खत्म कर चुका हूं। अब यहां आ गया हूं तो वापस नहीं जाऊंगा। बुद्धिल बहुत बुद्धिल, और बुद्धिल आदमी बहुत खतरनाक होता है। वो किसी भी फॉर्म में रास्ते पर किसी भी इंसान को चंदा छोड़कर भाग सकता है। अगर तुम तेरे से प्यार करते हो तो जाओ, और जाकर शक्तिशाली कह दो तुम। प्यार का मतलब ये तो नहीं होता शैला कि इंसान हर वक्त डायलॉग बोलता रहे। आदमी का रवैया भी तो। दलाल मैं यही तो कह रही हूँ, रवैया
मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे के वैसा है। तो क्या मेरी तवक्को थी? किस किस्म की तवक्को थी तुम्हें? बहुत ज्यादा तब्दीलियां तब आती हैं शहना जब इंसान के चारों तरफ की मनाज़िर और लोग तब्दील कर दी जाए। साहब कैसे मिले आप? अंदर जाके कहो कि कैफिया है। ठीक है। कैफी साहब मिलना है आप। कैफी उसे कहना कि चला जाए यहां से, उसे यहां कोई मिलना नहीं चाहता। साहब आपसे कोई मिलना नहीं चाहता, ये बात साहब ने क्या? लेकिन मैं मिलना चाहता हूं, समझे तुम? साहब एक मिनट, साहब एक मिनट, साहब जी अंकल मेरी बात तो सुने प्लीज। अभी ना इसे धक्के धक्के बाहर निकाल दो। कैफी तुम निकल जाओ यहाँ से, और आईना यहाँ का रास्ता देखा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ दबा जाओ। नाक ही कटवा दी, इस उम्र में हमें जलील करके रख दिया। अरे जहर दे देती तो सुकून से मर तो जाते। पता नहीं कैसे कैसे अजाब आएंगे, कैसी कैसी कयामतें टूटेंगी। मालिक मुझे उठा ले। गए थे इतने दिन क्यों लगा दिए? अरे हाँ भाई, कारोबारी मीटिंग में देर सुबह हो जाती है। ये बताओ तुम्हारे लिए क्या रहा हूँ? अब मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, ये बताओ कि कब तक वापस आ जाओगे? मैं बस मुझे लगता है 2-3 दिन लग जाएंगे। तो क्या क्या मैं इस हवेली में इतने दिन तक कैद रहूं? भाई तुम कैद तो नहीं हो, जहाँ जाना चाहती हो चली जाना, वापस गाड़ी है सब कुछ तो है। ये बताओ ना क्या रहा हूँ तुम्हारे? तो फिर जल्दी से वापस आ जाओ, वरना सच कह रही हूँ मैं वहां आ जाऊंगी। अच्छा बाबा मैं परसों आ रहा हूँ। ओके अब लड़ना मत, तुम्हारे लिए अच्छा से गिफ्ट लेके आऊँ। बस आ जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़।
ठंडी हो रही है कामरा। अब जब तक बाजार में खुलकर नहीं आए तुम लोगों में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बाबा मैं तो वहां जाऊंगी क्योंकि मुझे तो इमरान खान जाता है। इमरान खान होता है तुम्हें इजाजत देने वाला? क्या इस खानदान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है? परीशा आप खामोश हैं। और मामा अगर मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है ना मुझे यहां रहना भी नहीं चाहिए। परीशा परीशा बेटा बैठ जाओ। अम्मा भी जाने नहीं से आपने इमरान की बात मानकर अच्छा नहीं किया। आपा बेगम आपका गुस्सा कुछ बढ़ता जा रहा है। आपा बेगम आपको पता है कि वो जबान दराज है तो उसे भी पता चलना चाहिए कि हमारे खानदान में जबान दराजी गुनाह है। और जब मैंने मना कर दिया कि वहां कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो फिर कैफी मेरे घर क्यों आया था आपा बेगम? महक मैं इसलिए आई हूँ कि आप लोग मिलकर मेरा गला खोलते हैं। जिस तरह आपा बेगम के बच्चे मुझे जलील करके मारना चाहते हैं मैं मरना नहीं चाहती। मौसी जान आप बैठे ना प्लीज। महक तुम्हें जलील करने के लिए तो तुम्हारी औलाद ही काफी है। मामा प्लीज आपा बेगम खुदा के वास्ते क्या हो गया आपको? मैं जानती हूँ उन्हें क्या हो गया। आपा बेगम आप धारस रखें हम इस हवेली में वापस नहीं आएंगे। अपना हिस्सा माफ करते हैं हम। वो हमारे होते ही अब तुम लोग हवेली का बंटवारा करोगे। अम्मा भी मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि कैफी वहां क्यों आया था और उसे किसने भेजा था? मुझे किसी ने नहीं भेजा था मौसी जान। मैं खुद वहां आया था। क्यों गए थे तुम वहां जब इसकी बेटी ने तुम्हें ठुकरा दिया था? उसने मुझे नहीं ठुकराया अम्मी। मेरा इल्जाम अपने सर पे। जी मैम मैंने उससे कहा था कि मुझे उससे नहीं हिवा से शादी करनी। और ये कि वो नानोबी से कह दे उसने सब कुछ इसलिए किया कि कोई मुझे कुछ ना कहे और मेरा इल्जाम अपने सर ले। भाई हद होती है मन से। अगर हवेली चाहिए तो मुंह से आदमी साफ कह दे। ये क्या माओ को बहनों को बेटियों को निकाला जा रहा है? भाई चालाकी भी कोई चीज होती है। और जब बुरा बने बगैर सारे काम हो रहे हैं तो आपा बेगम को क्या जरूरत पड़ी कि कोई इल्जाम वापस पे ले? चंदा आपा यकीन कीजिए अगर उन्होंने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं ये शहर ही छोड़ दूंगा। देखिए चौकीदार के सामने कितनी बदतमीजी की है उसने। कितनी बदतमीजी की है कि मैं तोबा। अब वो चौकीदार तो बहुत सारे शहर के चौकीदारों को बताएगा। हाय 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 कितना क्या बेवकूफी है आपकी है। आप क्यों शहर छोड़ देंगे? लो बताओ ये शहर उनके बाबा की हवेली है क्या? चंदापा इज्जत की खातिर और नहीं तो क्या। अरे इस इज्जत की खातिर तो हम सारा मुल्क छोड़ कर चले आए थे। बुलाद भाई भाई हमें तो आपके सारे फैसले दूर सकते। अरे नहीं ये गलती कर दी आपने। ये महक को वहां नहीं जाने देना चाहिए था। हाय 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 आप तो ना उन लोगों से मिलना जुलना बस खत्म कर दें। गलती आपकी थोड़ी है
मौसी जी प्लीज मुझे माफ कर, गलती मेरी ही है। मेरी जिंदगी क्यों अजाब करती है? मैं बेटा तुम घर जाओ, हम कैफी के साथ आएंगे और कैफी को वजाहत से माफी मांगनी होगी। जी मौसी जान, अब आप बिल्कुल फिक्र मत करें। बेटा आपके दिल में किसी किस्म की कोई भी गलत फहमी है ना, उसे दूर करो। मैं वजाहत को समझाने की कोशिश करो ना, अब ना आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई बिल्कुल, मतलब वो बेवकूफ आदमी तो है नहीं, और उसकी नाराजगी तो यार कभी मैं ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए। क्या कहा था मैंने, सिर्फ इतना ही कहा था ना कि मुझे वहां जाना है। अब क्या हो रहा है, अभी तो मैं जा ही रही हूँ ना, मगर आप इस तरह मत जाएं प्लीज भाभी। नहीं देखो शैला, मेरा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि अब मैं इस घर में रहना भी नहीं चाहती। भाभी देखो शैला, मैं तुम्हें कुछ भी बताना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कुछ भी कहा ना तो इस घर में क्यामत आ जाएगी। मगर आखिर ऐसी क्या बात है? ऐसी ही बात है शैला, अगर यही सब कुछ होना था तो इमरान ने मुझसे शादी क्यों की थी? अभी बात क्या बताएं तो सही। मैं भी यही सोचती थी कि ये अचानक इमरान को मेरे अंदर बुराइयां कहां से नजर आने लगी। कोई भी काम करूं तो मुझे फोड़ कह देते, जरा जरा सी बात पर मुझसे लड़ने बैठ जाते। महरीन भाभी की तारीफ होती है या फिर इस घर में फरिया की। चलो महरीन भाभी तो पूरे घर को संभालती, ये फरिया में कौन से सौगात के पल लगे हुए। हाँ अरे भाभी वो तो ऐसे ही, आप जानती नहीं उन्हें। अरे तुम कुछ नहीं जानती हो शैला, तुम्हें नहीं पता कि इमरान और फरिया जो छुप छुप कर मिलते हैं ना, और जिस किस्म की वो बातें करते हैं, अगर घर वालों को पता चल जाए ना तो इस घर की इज्जत। माय गॉड, देखो शैला प्लीज तुम ये बात किसी से मत कहना, और वैसे भी अब बात इमरान के आने के बाद होगी। क्या तो इमरान मुझे अलग घर लेकर देंगे और मेरे साथ रहेंगे, या फिर मुझे छोड़ देंगे? नहीं भाभी अब प्लीज मत जाए। ठीक शैला, भाभी प्लीज, भाभी प्लीज। नहीं अम्मा भी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। गलत अगर कैफी ने किया है या इरज ने, तो इसमें मेरा क्या कसूर है जो मैं माफी मांगू? आप अगर कैफी को ले जाना चाहती हैं तो ले जाइए, उन्होंने माफ करना होगा तो माफ कर देंगे वो। आप अभी हम बात खत्म करना चाहते हैं। बात फिर भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि वजह हमारी और अम्मा की मोहब्बत को कमजोरी बनाकर ब्लैकमेल करना चाहते हैं। आप अभी गम, कैफी ने उन लोगों के साथ जो ज्यादती की है पहले उसकी माफी जरूरी है, बाद में बाद में हमारी हैसियत ही क्या रहेगी। कुलसुम क्या तुम वाकई महक को इस हवेली से बाहर रखना चाहती हो? अम्मा आप मुझ पर शक कर रही हैं? कुछ भी नहीं, शक नहीं, अब हमें यकीन होता जा रहा है। अम्मा भी परेशानियों ने पापा बेगम को ऐसा बना दिया है। अम्मा भी आप पापा बेगम की बात का बुरा मत मानिएगा, गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। डांडे पर हिलाल भेजेगा आपके प्यारों को आप। देखो इसका तमाशा, देखो इस तरह रोज रोज घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। आप बेफिक्र हैं, अब मैं रोज घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। लेकिन ईमान आ रहे तो फिर चले जाइएगा, हम उन्हें क्या जवाब देंगे? तुम्हारे भाई ना, जो जी मैं जवाब दे देना। क्या हो रहा है? अम्मी भाभी घर छोड़ के जा रही है तो जाने दो। ये अगर समझती है कि हम इसको मेहनत करके रोक लेंगे, ये बात अपने जहन से निकाल। अम्मी क्या हो गया है आपको? बजाय फरिया को डांटने के आप फरिया का इसमें क्या तालो? नहीं नहीं कुछ नहीं मामा। नहीं भाभी ये इतनी छोटी बात नहीं है जिसे छुपा लिया जाए। बात क्या है, तुम चलो मेरे घर में। चलो फिर बैठो और मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें
अभी तुम्हें शादी से इंतजार करने को किसने कहा था? किसी ने नहीं अम्मी, किसी ने भी नहीं। इसका मतलब है कि अब कैफी तुम्हारा इल्जाम अपने सर ले रहा। उसने सबके सामने कह दिया है कि इरित से इनकार करने को मैंने कहा था। अम्मा भी कह रही थी कि वो कैफी को लेकर आएंगी और वो वजाहत से माफी मांगेगा। अब तुम अपनी जबान बंद रखना और सोचना कि जिसकी खातिर तुमने कैफी से इनकार किया था शादी से, वो कैफी जैसा है या नहीं। कैफी, तुम क्या करना चाहते हो? क्या चाहते हो तुम? तुम अगर अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम किसी से मशवरा ही ले लिया करो। यार बासित, मैं बहुत परेशान हूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम हिरज को फोन करके यहां बुलाओ ना प्लीज। अच्छा, मैं उसे फोन करूंगा तो वो आ जाएगी? हो सकता है आ जाए। हाँ तो तुम उसे क्या कहोगे यार? मैं एक्सक्यूज करूंगा उससे, और क्या। उसे तुम ऑलरेडी कर चुके हो ना उसकी मामा के साथ। यार बासित, मुझे नहीं पता, बस तुम उसे फोन मिलाओ, मुझे बात करनी है। हेलो। हेलो इरेज, मैं कैफी बोल रहा हूँ। अब क्या चाहते हो तुम? इरेज प्लीज, मुझसे एक बार मिल लो, सिर्फ एक बार प्लीज। रह गया है, इतना कुछ कर लिया तुमने, पर अब मैं फोन पर बात नहीं कर सकता, कहीं बाहर मिलो ना। नहीं कहती, मैं बाहर नहीं आ सकती। किससे बात करेंगी? किससे? हेलो, हेलो जी, कौन? तुम कौन हो? जी मैं बासित जी, बासित। आइंदा यहाँ फोन किया तो अच्छा नहीं होगा, समझे? क्या चाहती हो तुम? मैं खुदकुशी कर लूं? वो उसने फोन किया था, मुझे अब तुम्हारा इंतजाम करना ही पड़ेगा। घर के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आमना और सुल्तानी को वो दोनों भाग गए हुए, उन्हें महकी को जाने की जल्दी भी थी ना, और तलाल साहब गया है, इमरान घर में मौजूद नहीं, कामरान ऑफिस गया है। अम्मा भी, मैंने परिया को बुलाया, आप खामोशी से उसे बात करिएगा, उसे समझाने की कोशिश करिएगा। मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से इमरान का घर टूटे। नाना जी, आराम। नाना जी, आपने बताया था मुझे? ये बताओ, अरीशा घर छोड़ के क्यों चली? जी, अरीशा चली गई? ये मेरी बात का जवाब नहीं है फरिया। अभी मुझे नहीं मालूम कि वो चली गई, और वो क्यों गई मैं ये भी नहीं जानती। देखो, अगर तुम अनजान बन गई है तो ये बहुत बड़ी बात है, और अगर वाकई तुम्हें मालूम नहीं है तो एक बात कान खोल कर सुन, जहन नशीन कर। जो लड़कियां दूसरों का घर बिगाड़ती हैं, वो खुद अपना घर कभी नहीं बसा सकती, समझ गई? क्यों, क्या कह रही हैं?
मैंने किसी का घर नहीं बिगाड़ा। इतना बड़ा इंसान किसने कहा आपसे? अरीशा नहीं, आप खाला जान ने। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने जो कुछ कहा है बस वो याद रखो। जाओ। भाई सारी बातें याद रखने की नहीं होती, लेकिन सारी बातें भूल जाने की भी नहीं। अगर आदमी दिल के दरवाजे खुले रखे तो कोई बात उसमें बसेरा नहीं करती। और भैया तुम खुद ही तो कहा करते हो कि अगर कोई एक्सक्यूज कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। उसके लिए माफी मांगनी जरूरी है ये सारी भाई। और कैफी ने अभी तक वजाहत से माफी नहीं मांगी। वो आया है महक, बाहर गाड़ी में बैठा है। हमने सोचा कहीं उसके आने पर वजाहत फिर से नाराज हो जाए। यजदानी भाई मुझे मुनाफिकत से जीना भी नहीं आ रहा, इसलिए ना मैं उसे माफ कर सकूंगा और ना ही वजाहत। ये हमारे बच्चे हैं, गलती पर अगर हम इन्हें माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वजाहत माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दो यार, दिल ना पड़ जाएगा। अम्मा दी के घुटनों में तकलीफ ना होती तो वो खुद आती माफी मांगने। नहीं नहीं मैंने माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं उसे माफ कर दूँ। नहीं ऐसे नहीं यार, सीने से लगा कर उसे माफ करो। मैं लेकर आता हूँ। बैठो बैठो, मैंने आपसे कहा ना कि मैं मुनाफिकत से नहीं सकता। उसने जो कुछ किया मैंने माफ किया, लेकिन मैं अब ताल्लुकात उसका क्या बात हो गया? माफ करने का मतलब यह है कि अब धीरज की शादी कैफी से ही होगी और बहुत धूमधाम से होगी। सॉरी यजदानी भाई, धीरज का रिश्ता तय हो चुका है। ये तुम क्या कह रही हो मैं? उसका रिश्ता तो वजाहत के एक दोस्त हैं शमीम साहब, अमेरिका में रहते हैं, उनका बेटा डॉक्टर है, आने वाला है तो उससे हम रिश्ता तय कर चुके हैं। मुलाकात हुई थी वो तो दिमाग खराब है, बर्तन ही गौरत कह रही हो अनीशा को। होश में वो, मैं तो होश में हूँ लेकिन वो होश में नहीं है। जो मुंह में आता है कह देती है, और घर छोड़ने का तो जैसे शौक है। और तुम्हें शिदा, तुम्हें पता है मुझमें क्या इल्जाम लगा कर गई है? वो इल्जाम नहीं है फरीदा। ओ इसका मतलब है कि तुम और वो मिलकर नहीं लग रहा? मेरा नाम मत लेना तुम, मैं अरीशा नहीं हूं कि चुपचाप खड़ी तुम्हारी बातें सुनती रहूंगी। अच्छा सब समझ में आ गया, ये साजिश तुम लोगों ने बनाई। भैया अल्लाह करो आप नहीं कर रहे। तुमसे जुदा ना होना, तुमसे